हे गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक और नया रिव्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं, जो कि एक फिर से रिक्वेस्टेड वीडियो है। और आज अगर मैं आपको थोड़ा डर लग रही हूं तो प्लीज, मैं दो रातों से सोई नहीं हूं, घर पे कुछ काम चल रहा था इस वजह से, तो मेरी आंखें थोड़ी सूजी सूजी तो होती हैं और कुछ ज्यादा हो गई हैं। तो आज का जो रिव्यू वीडियो है वो है गार्नियर लाइट क्रीम, व्हाइट कंप्लीट क्रीम, और इस पे लिखा हुआ है स्पीड व्हाइट की ये एक व्हाइटनिंग मतलब एजेंट है, आपकी स्किन को बहुत जल्दी से व्हाइट करेगा। मल्टीपल एक्शन फेयरनेस क्रीम, यूवी प्रोटेक्शन है इसके अंदर, एसपीएफ 19 है और पीए ट्रिपल प्लस है, और ये आपको यूवीए और यूवीबी अल्ट्रा वॉयलेट एजिंग और अल्ट्रा वॉयलेट बर्निंग दोनों सूरज की हानिकारक किरणों से ये बचाता है। ये इसका स्मॉल पैक है, छोटा पैक है, और इसके साथ एक फेस मीटर भी आता है, जो मैंने इसको खोला नहीं है और ये निकल भी नहीं रहा था, तो आप अपना शेड लेवल पता कर सकते हैं यहाँ से, जो कि बहुत हार्ड है पता करना। और इसका जो प्राइस है वो है 85 रुपीज, लेकिन ये मुझे 80 रुपीज में मिला है, मैंने इसको इजी डे से बाय किया है। और बस, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है, कहाँ लिखी हुई है मुझे ये, 18 ग्राम, 18 ग्राम का प्रोडक्ट है, लेकिन आपको इतनी बड़ी पैकेजिंग दिख रही है और इसके ऊपर सारे डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाई है, जब आप इसको खोलेंगे तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि जो इसके अंदर का जार है वो बहुत छोटा है। इस क्रीम को मैंने 12th के टाइम पे यूज किया था, तब ये एक जार बोतल में आती थी, कांच के बोतल में, अभी प्लास्टिक में है ये, और ये कांच की बोतल में आती थी और येलो कलर की इसके ऊपर स्ट्रिप होती थी, तो पैकेज और जो बोतल का डिजाइन होता था वो एज इट इज होता था। और क्रीम की क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो ये एकदम मतलब आपको ऐसा लगेगा कि डब्बे में कुछ डाला ही नहीं है। तो बात करते हैं इसके टेक्सचर और क्रीम की थिकनेस और इन सब के बारे में। तो जो इसकी स्मेल है वो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो एवरयूथ का लेमन वाला जो फेस वॉश है उसकी और इसकी स्मेल एकदम एग्जैक्टली सेम है। और पहले मैं आपको इसको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे इस क्रीम से एक शिकायत ये है कि ये मेरे स्किन पे अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता था अगर मैं कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करके, और ये बहुत ज्यादा थिक क्रीम है देखिए। और रही बात व्हाइटनिंग की, तो हाँ, जब आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन पर व्हाइटनिंग का जो ये दावा करते हैं वो एक व्हाइट कास्ट वो जरूर आपकी स्किन पर ये दे देता है, और सिर्फ वो ही देता है। और आज जो ऐसा मौसम है, मतलब ह्यूमिड वाला पूरा मौसम बना हुआ है, उसके अंदर ये क्रीम चेहरे को बहुत ज्यादा ऑयली बना देगा, तो जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। और रही बात कि ये आपको अंदर से गोरा करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको ऊपर से गोरा जरूर बनाएगा, आपको व्हाइट कास्ट दे देगा, जैसे कोई सनस्क्रीन लगाने के बाद हो जाता है, सेम एज इट इज। और ये यूवी प्रोटेक्ट भी करता है, तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है, तो ज्यादा है नहीं इसके अंदर यूवी रेज, और ये एसपीएफ 19 है जो डिसेंट अमाउंट है, तो यही है, और बहुत ज्यादा ये असर नहीं करता, ये स्पॉट्स को कम करने का दावा भी करता है, तो इन सब चीजों के लिए बहुत लंबे टाइम तक यूज करना पड़ेगा, और मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे स्पॉट्स भी नहीं है, तो कि स्पॉट्स कम करता है नहीं, लेकिन स्मेल अच्छी है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में मैं बिल्कुल मना कर दूंगी, क्योंकि ऑयली स्किन वाले इसको लगाएंगे तो आपके पोर्स जो है वो बड़े दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जी हाँ, वो ऑयल सेक्रेट ज्यादा करेंगे, इसलिए ये क्रीम मुझे उतनी खास नहीं लगी। इसका टेक्सचर चेंज हो गया है पहले के मुकाबले, जब मैंने इसको 12th में एक बार यूज किया था, तब जब मैं 12th क्लास में थी, तब इसका जो टेक्सचर था वो थोड़ा मतलब रनी होता था, अभी ये बहुत ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी में आने लग गया है, और पैकेजिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो गई है। तो ये था मेरा गार्नियर लाइट क्रीम का रिव्यू, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज मुझे कॉमेंट के थ्रू बताइएगा, और प्लीज अनसब्सक्राइब मत करो चैनल, बहुत बहुत मैं तो रात से परेशान हूँ कि मेरे 10 या 15 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब हो गए, और मेरे को वो टेंशन खाए जा रही है, प्लीज अनसब्सक्राइब मत कीजिए, सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, सबके रिव्यू आ जाएंगे जल्दी जल्दी, तो बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, एंड अल्लाह हाफिज़।